सही बात है जी, तो बात बड़ी बूढ़ी तो हम सुन लेते मैंने पहते तो जिनने जो कही कि यहाँ है कि वो चूड़ी पैर पे जा रही जी। हाँ तो वो जे कहो भैंसा जन पकड़ लो के जन आए गए हो पे आप कैसे कह सके हम, तो वो भैंसा यहाँ बंद रहे हो जी। तो वो भैंसा बा आदमी माऊ देख के रमावन लगे। अच्छा तो वो आदमी बोलो कि भाई जी भैंसा तो हमारो है, हमें देख के रमारो है। तो जे बोले कि तेरो भैंसा कहाँ ते आयो यहाँ, कि भैया देव चाहे मत देव भैंसा तो हमारो ही है। तो इनने जट मोबाद सोन लगो मोबाद के बाद में जिनने डंडा मार दिया। अच्छा वो आदमी खत्म हो गया। अच्छा वो बोले भाई अरते के लाली जी तो खत्म हो गया, अब तू जा जाते ले जा जाए। तो वे रामनगर आके आए गए यहाँ, रामनगर आके बोले के हम चलो ले चलो। वो बोली मैं नहीं जाऊंगी, इनके द्वार पर ही मरूंगी। अच्छा तो वो गोद में लेके सती है वेकू बैठ गई। तो क्या अग्नि स्वयं प्रकट हुई थी? स्वयं प्रकट मतलब इनने कही सती मैया ने कि मुझे अग्नि दो अग्नि दो। तो जे बोले कि तुम सती काय बात की जो अग्नि मांग रही हैं हम पैती। तो जे वो बोली कि ठीक है। तो वे हाथ जोड़ के न्यू करके बैठ गई। तो वे बोली जटबिन ने न्यू करी कही यही उंगरिया नमे ते। तो मैंने की छोटी उंगली अथवा इनमें ते शुरू हो गई अग्नि। अच्छा, अग्नि होती रही होती रही होती रही, जट सामग्री डारो घ्यो डारो सामग्री डारो ऐसे वे करती रही। अच्छा एंड में जब यहाँ तक आ गई अग्नि तो बोली के जैसी मैं इनने विधवा करी हूँ जैसी इनको प्रभु विधवा हो गए। अच्छा, मैंने जी शराप दिया। अच्छा, हाँ तो हमारे बड़े बूढ़े न के मतलब ब्याहते बंद है गए, छई चोरी ने ब्याह करते तो वे विधवा है जाती जल्दी जल्दी, तो कोई ब्याह भी नहीं कर ब्याह तो जा गांव में। अच्छा, तो फिर इनकी पूजा करी सबन ने बहुत ज़्यादा मानता करी न कोई श्रृंगार। अब भी हम वो ईंगन नहीं ले जाते हैं अपने बिन को, चूड़ियाँ वगैरह चूड़ी पूड़ी ले जाते हैं। तो जब ले जाते हैं जब पहले मैया पे चढ़ा जाते हैं। अच्छा, जब चूड़ी चढ़ती है सिंगार सब सबरो चढ़ जाते हैं, जब बहू काज ले जाते हैं अपनी काज। तो अब ये जो प्रकोप है करवा चौथ का त्योहार यहाँ नहीं।